हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल GDS BPM में। इस वीडियो में हम बात करेंगे AEPS की नई सर्विसेज जो कि है लॉक अनलॉक AEPS डेबिट फैसिलिटी। जैसा कि आप सबके पास ये SMS आया था जिसमें कहा गया था कि AEP ट्रांजैक्शन आपकी ब्लॉक हो गई है, अब उसी को एक्टिव करने के लिए, अनेबल करने के लिए ये सर्विस दिखाई गई है। ये देखिए, यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करके तीन ऑप्शन मिलेंगे। आप मोबाइल नंबर सिलेक्ट कर सकते हैं, मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको डालना होगा, उसके बाद आपको करना है सर्च। तो जैसे ही आप सर्च करोगे आपके पास तीन ऑप्शन आएंगे। आप यहाँ पर OTP वाला ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, फिंगरप्रिंट वाला ऑप्शन आपको बाद में भी यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन इस स्टेप पर आप OTP वाले ऑप्शन से कंफर्म करके यहाँ पर आप SMS डालकर इसको सबमिट कर दीजिए। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करते हैं उसके बाद आपका IPB का जो सेविंग अकाउंट है वो शो हो जाएगा, साथ ही साथ उसका बैलेंस भी आपको शो होगा। अब इसके बाद आपको इस एरो पर क्लिक करना है। यहाँ पर ये देखिए, आपके सामने आ गई है AEPS सर्विस जो इस टाइम की डिसेबल है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे ये अनेबल हो जाती है और उसके बाद आपको आई एग्री टू चेंज पर क्लिक करना होता है। ये देखिए, ये अनेबल हो गई है। अब इसको आप दोबारा अगर स्विच ऑफ करना चाहते हो, अनेबल से डिसेबल करना चाहते हो, तो वो भी कर सकते हो। आपको आई एग्री पर क्लिक भी करना है। ये देखिए, मैंने अनेबल इसको कर दिया है, यहाँ पर साथ ही साथ आई एग्री पर भी क्लिक कर दिया है। उसके बाद आपको करना है कंफर्म। जैसे ही आप कंफर्म करोगे आपके पास एक ही ऑप्शन आएगा जो कि है फिंगरप्रिंट का, यानी आप उस कस्टमर के फिंगरप्रिंट लेकर ही ये स्टेप कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पर आपको क्लिक करना है आई एग्री पर, उसके बाद ये फिंगरप्रिंट वाले निशान पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करोगे मंथरा डिवाइस जो है वो अनेबल हो गई है। अब आपको फिंगरप्रिंट लगाना है और आपकी जो आधार की AEPS सर्विस जो है अनेबल हो गई है, उसका मैसेज आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। ये देखिए, ये रहा वो मैसेज, AEPS सर्विसेज अनेबल सक्सेसफुली। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो हेल्प करेगी जब आप IPV का काम करोगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।